जाओ जाओ स्वच्छ हो गए गाइस अब हम। चले अंदर। वाओ तो गाइस यहाँ की बात करूँ तो अंदर आके मेरे को इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा ना। ये देखिए गर्म पानी है गाइज, ये नहीं आ रही है किट्टू, नहीं आ रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी बढ़िया हूँ और आज की मॉर्निंग हो रही मैं नानी जी के घर से, क्योंकि पिछले कल हम साझे में आए थे और बट घर गए नहीं क्योंकि इतने ज्यादा रिश्तेदार है ना यहाँ पे कि टाइम लग ही जाता है और हम लेट भी पहुंचे थे। तो सो बस यही था और बाकी आज की मॉर्निंग तो मेरी नानी जी के घर से हो रही है। तो अभी हम जाने वाले हैं कहाँ पे, जोरी जाने वाले हैं जयसिद बाबा बालकनाथ। तो बस अभी मैं भी जाऊंगी क्योंकि सुबह दीदी जा रहे थे तो मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ और आपको भी ले चलती हूँ। वहाँ से ना पूरा गांव दिख जाता है मेरे नानी जी के घर का, तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, ठीक है। तो गाइज अभी हम फूल ले जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने फूल लगे ऑरेंज कलर के और रियू तोड़ रही है। रियू धूप तो इतनी मस्त आ रही है पता है इधर को, सच में। ये देखिए इसको तोड़ तोड़ के ले जाएंगे हम, चल काफी हो गए। तो गाइस ये है कुछ एक फूल जो कि हमने तोड़ लिए और जो 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 लड़की ये है ये भी फूल तोड़ रही, बोल रही है कि और भी तोड़ने के लिए है। अभी हम जा रहे हैं दीदी रियू और मेरे मामा जी पीछे रह गए, वो दिख रही है जो धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं। तो सो गाइस ये है देवता जी के और दो मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी के, तो यहाँ पे प्यारा से दिख रहा था तो मैं चलो दिखा देती हूँ आपको। गाइस ये देखिए सात जी की कितनी जो भी जो पड़ी है मंदिर में, बहुत ज्यादा पड़ी हुई है इधर से लेकर इधर से। गाइस यहाँ पे होता था नाशपाती का पेड़ और वो गायब हो गया जिसको हम चोरते थे पहले। और अभी हम पहुंच चुके हैं बावड़ी के पास। ये देखिए देखिए देवता जी के, हाँ सांस फूल गई, देवता जी के पास जाने के लिए ये ऐसा रास्ता होता है। और ये जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये हम लोग गाय को देते हैं, इसको बोलते हैं बान, कोई इसको बोलते हैं जोड़ी, कोई बोलते हैं इसको बान। गाइस मैं थक गई, सांस ले रही हूँ, थक गई। अभी हम बहुत बड़े जंगल से निकल के बाहर आए हैं और देवता जी के पास पहुंचने वाले हैं, तो धूप भी बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए ना, रेड रेड से हो गए, ये देखिए कितने रेड रेड से हो गए दीदी आपके, हुए ज्यादा हो गए देखे, ठंडे 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 हो गए, रियू के भी ठंडे हो गए, उसने फोन पकड़ के रखा है दोस्तों। चलो अब तो गाइस जाने से पहले बता दूं मैं जाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम देवता जी के पास, क्योंकि मैंने मम्मी के मुंह से ही सुना है कि हम लोग छोटे में जाते थे तो ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, बहुत कुछ बातें बताई थी उन्होंने। तो मेरे को लगता था ऐसे मन नहीं मन मैं सोचती थी कि भाई मैं भी कभी जाऊंगी। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं और ये गाँव के बीच में आता है मंदिर। ये है मंदिर गाइस, जय हो जय हो, स्वच्छ हो गए गाइस अब हम। चले अंदर।
वाओ कितना प्यारा है गाइस। चलो चलो आपको फॉलो करेंगे हम। चलो गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ लेकिन बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ बोरे की यहाँ से ऊपर नहीं चल जाते हैं तो बस हम यहीं से फूल लेंगे ठीक है गाइस। तो जो भी हमने देना था फूल वगैरह वो मामा जी के हाथ में पकड़ा दिए हमने है ना दीदी। और बाकी यहाँ पे और भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो गाइस यहाँ से ना मंदिर ये जो पर्यावरण मंदिर एक कौन सा मंदिर है माता का है। हाँ। माता का बेखली माता तो बेखली माता जी का मंदिर इधर भी है और जहाँ अभी हम आए ये है बाबा बालक सिद्धनाथ जी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ का बैक का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है ना दीदी। और आप बोलो जो भी यहाँ पे चीज रखे गए जो भी इनको क्या बोलते हैं त्रिशूल निशान होते हैं। ये चिमटा जिसको हमको तीरा बोलते हैं बाबे का चिमटा। हाँ वही 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 चिमटा है ये सारी बोल दिया मैंने कि भगवान का सारा रखता है। और ये शंगल ये है त्रिशूल जो कि आप सभी को पता ही होगा। बाकी बहुत ज्यादा चीज है यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है मेरे को नाम नहीं आता है लेकिन जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। अभी नीचे चलेंगे ठीक है। तो भाई जब हम ऊपर वापस आ गए तो आराम से बात करनी पड़ेगी तृप्ता जी रखते ना इधर। बाकी अभी हम यहाँ पे आशीर्वाद लेंगे। तो वैसे यहाँ की बात करूँ तो अंदर आके मेरे को इतना अच्छा लगा ना इतना अच्छा लगा ना ये देखिए। और बाकी बर्फ तो इतना प्यारा किया हुआ ना यहाँ पे मन नहीं मोह गया मेरा ये देखिए बाबे की बुद्धि होती जी बोला ऐसी। तो वैसे अभी हम मंदिर से वापस आ चुके हैं और मंदिर में जाते हुए इतना अच्छा लगा ना कि मन मोहित हो गया मेरा और बहुत ही यूनिक सा मंदिर लगा और बहुत ही अच्छा लगा कि गांव में इतना अच्छा मंदिर वाव बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है ये देखिए यहाँ देखिए बच्चों को हेलो गुदगुद्दू। तो गाइस मंदिर जाने के बाद हम एक के घर गए दूसरे के घर गए तीसरे के घर गए उस बीच में थोड़ा बहुत ब्लॉक का काम कर रही थी वो कर लिया था। बाकी यहाँ सामने इतना प्यारा घर दिख रहा है ना लकड़ियों का बना हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाँव की लाइफ कुछ ऐसी होती है गाइस गाय बोल रही हूँ ये देखिए। और बाकी ये जो सामने घर जो दिख रहा था वो ये है जो कि इतना प्यारा है वाओ। तब चलो पौधे को यहाँ रखो ये देखिए लकड़ी का प्यारा प्यारा सजा जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोल गौर है गौर जाना थी मतलब ठीक ठाक तू है हाँ तो मैं तू ते बड़ा भूड़ा तो खन्ना ही है ते बड़ा खन्ना शहरी थोड़ी शहरी बाहर बाजार अनुकूल पर। तो गाइस गांव से हम काफी नीचे पहुंच चुके हैं तो अभी हम जा रहे हैं अपने दीदी के वहाँ। तो आज भी साझा है मतलब अभी तो सात का साझा होता है मतलब सात दिन तक साझा ही होता है ना दीदी सात दिन तक होता है। तो सो गाइस अभी आ गए हम एक और घर सात आठ घर तो जा गए गए हम अब एक और घर में आ गए हम। तो गाइस अभी आ गए हम अपने दीदी जी के घर तो ये है मेरे दीदी जी का घर। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग नीचे। हेलो हेलो देखो कौन आया नमस्ते जीजू जी धूप में बैठ जाते हैं। ये देखिए आगे मेरी दीदी दादा ने कर दिया हम क्या क्यों बैठ बैठ के आपके ऊपर घर है ना किट्टू का गई सच में तो नहीं चाय बनाने वाले को हमने किया था फोन चाय भी बनाई बोले चूहे भी बनाई बोला
चलो अभी हम ऊपर चलेंगे धूप में। नीचे को ना रतक आप में आना, क्या कर रहा चल रहा है प्रोग्राम? मेरा तो चल रहा ही होता है, आपको पता ही है। दीदी कौन से चाय? दूध 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 ठीक है, सच में इतना नहीं ला रहा है दूध। इनको देखो फोटो क्लिक किए जा रहे। चलो चलो दीदी चल रहे चले। गाइज ये नहीं आ रही है, किट्टू नहीं आ रही है। मैं आपको दिखूंगी बहुत दिनों बाद। तब तक के लिए बाय। बहुत दिनों बाद कब दिखे हुए? एक ये ना फोटो खींच रहे अभी स्नैपचैट में, बिल्ले बन रहे। जी तैयार हो जाओ चलो। क्या हो गया अभी तैयार? हाँ वो तो कैसी लगी? बाय बाय जीजू जी। चलो चलो जी चलो जी। गाइस हमारे को ना पैसे ही पैसे मिल रहे, जाम भी हम जा रहे हैं। ये दीदी ने भी दे दिए, पैसे ही पैसे हो गए, जेब फुल हो गई। आज तो मजे लगे यार, वो कितने पैसे बन गए। तो बाय बाय जोरी, पूरा जोरी घूम लिया, इतनी देर लग गई गाइस। तो दीदी तो अभी आने वाले नहीं है। बाय बाय, ठीक है ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं जरूर पक्का। चले अब हम ना सुबह वहां से लेकर गए थे वो ऊपर होके, और अभी ये जो पूरा गांव दिख रहा है ये मेरी नानी जी का घर मतलब गांव, और बस पीछे देखिए स्नो वाली पहाड़ कितनी प्यारी लग रही है। वाओ आप देख, कभी तो गाइस चलो अभी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। लो जी पहुंच गए हम। बाय बाय मामी। बाय बाय मामा। और ठीक है ठीक रहना। ओके ओके ओके। तो सो गाइस गांव से चलते चलते पहुंच चुके हम अभी इधर, यहाँ पे छोटे मामा जी के वहाँ, और सांस फूल गए। वो देखिए वो रह चुका गांव, उधर से भी दूर दिखाई दे रहा है, सारी इधर से भी दूर ही दिखाई दे रहा है। बाकी अभी पहुंच चुके तो सभी के सभी ऊपर चलते हैं। ये देख लीजिए मटर के पौधे और खेत कितने प्यारे लग रहे, बारिश आने से ना इतनी अच्छी होगी मिट्टी। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। मम्मी बीज लाया, नमस्ते किया मैंने सबको, दूर से ही सबसे पहले नमस्ते। यस बीज है ये फूल का, हम फूल बीजेंगे घर में। भाभी लाया ठंडा ठंडा पानी, मैं भी पी लेती हूँ पानी। बाय बाय बाय, ठीक है। तो सो गाइस अब बस हम निकल पड़े घर की ओर। वो दिख रहा नीचे देखो रोड यहाँ से, लेकिन बट हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा चलेंगे, उधर को टर्न करेंगे। हाँ तो गाइस हम बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, और मम्मी ने देखिए कैसे उठाया हुआ बैग मोदी जी का। क्या है अच्छा गाइस, ये देखिए ये बन रहा है GDC बनारसा कॉलेज, जो कि इतना देखते देखते इतना बड़ा बन चुका है। और जब भी आती थी ना कुछ काम चला हुआ था, अभी भी कुछ ना कुछ काम चला ही हुआ है। ये देखिए आवाज ना गाइस थोड़ी डाउन 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 जा रही है, क्योंकि इतना थकने की वजह से। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम रोड में, और रोड एकदम चकाचक सा है। ये देखिए कितना प्यारा हो गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी सीन वालियों में, मतलब बाजारों में पहुंच चुकी हूँ मैं, और अभी इसी बस में आए थे हम लोग। बहुत सुस्त हो गई हूँ तो बात नहीं कर सकती, अब घर पहुंच के बात करती हूँ। सुबह जब मैं अपने फोन के लिए कवर ले रही हूँ, तो ये थी मम्मी मुझे लेके दे रहे हैं।